हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी शुरू होने वाला है एंड आई एम श्योर कि आप सब उसकी तैयारी भी शुरू कर चुके होंगे। एंड हर साल की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए गणेश चतुर्थी की वीडियो ले आई हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं वो तो आगे हम जरूर देखेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास ये थर्मोकोल है जो कि मुझे किसी पैकेजिंग के अंदर मिला था, तो इसको मैं राउंड शेप में कट करूँगी और इसके लिए मैंने पेपर नाइफ यूज किया है। इसको राउंड शेप में कट करने के बाद मैं यहाँ पर स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एक साइड में, और इस स्ट्रेट लाइन को हमें कट कर देना है तो हमें इस तरह का कुछ शेप मिलेगा। अब इसके बाद ये जो अंदर में एक होल है, इस होल को भी हम कवर कर देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है और इस कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट किया है, जो अंदर का जो भी साइज है उस हिसाब से मैंने इसको कट किया है, और इस कार्डबोर्ड को ग्लू के हेल्प से अंदर हम चिपका देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक रेड कलर का पेपर लिया है, कोई भी कलर का पेपर आप ले सकते हैं, और इसे मैंने स्ट्रिप के तरह कट किया है, जो हमारा थर्मोकोल का जो हाइट है उस हिसाब से मैंने इसको कट किया है। और इस पेपर को हम थर्मोकोल के अराउंड स्टिक करेंगे और इसके ऊपर भी हम एक पेपर स्टिक कर देंगे, तो हम इस थर्मोकोल को बेसिकली पेपर से कवर कर देंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड लिया है और ये कार्डबोर्ड हमारा जो थर्मोकोल का साइज है उस हिसाब से मैंने इसको कट किया है, और इस कार्डबोर्ड को मैं अंदर की ओर इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, और इस आउटलाइन को भी हम कट कर देंगे। इस तरह का मैंने दो पीस कट किया है और इन दोनों को हम आपस में चिपका देंगे, ताकि हमारा जो ये कार्डबोर्ड का जो हमने शेप बनाया है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब इस कार्डबोर्ड को हम थर्मोकोल के पीछे के साइड में इस तरह से चिपका देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है और इस टिश्यू पेपर को हम फेविकॉल के हेल्प से इसके जो ऊपर के जो अनइवन पोर्शंस है इसको हम कवर कर देंगे, ताकि हमारा कार्डबोर्ड भी थोड़ा क्लीन दिखेगा उसके बाद। तो टिश्यू पेपर से कवर होने के बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ड्राई हो रहे हैं उसके अंदर हम करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिया है इस तरह का एक लेस, जो कि मुझे मिला था एक साड़ी में। अब मेरे पास ये लेस तो बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, आई थिंक एक या दो साल पहले से ही ये मेरे पास था, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया था, उसी तरह से ही था और इसे मैंने क्राफ्ट के लिए ही संभाल कर रखा था। तो फाइनली मैं इस लेस को आज यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए इस लेस को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शंस लेके हम इसको फोल्ड करेंगे, और मैं यहाँ पर ग्लू गन के हेल्प से ग्लू से इसको चिपका रही हूँ। बट आप इसके जगह इसको सिल भी सकते हैं, अगर आपको सिलाई आती है तो आप इसको सिल भी सकते हैं, बट मुझे ग्लू से चिपकाना थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें एक लंबा वाला बना देना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक पेपर लिया है जो राउंड शेप में कट हुआ है, जो हमारा पीछे के साइड कार्डबोर्ड बनाया था उसी साइज का ये बना हुआ है। अब इस लेस को हम राउंड शेप में भी इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, और जैसे हमने पहले वाला बनाया था स्ट्रेट में, इसको हम राउंड शेप में बनाते जाएंगे। तो ये स्टेप बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने गणेश जी का बहुत सारे DIY बनाए हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक सारे दे दूँगी। तो मैंने आज तक जितने भी गणेश जी का जो सिंहासन या मकर जो मैंने बनाए हैं आज तक, उन सारे वीडियोज़ को आप लोग बहुत पसंद किए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है,
और मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ना पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आया है और क्या नया देखना चाहते हैं। और चैनल को जो लोग नए देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे DIY के तरफ, और यहाँ पर मैंने लिया है फोम शीट, और हमारा जो मक्खर का बेस है उस बेस के हिसाब से मैंने इसको कट किया है। अब इस फोम शीट को हम इसके ऊपर चिपका देंगे, और हमने जो लेस से डिजाइन बनाया था इसको भी हम साइड में इस तरह से चिपका देंगे, और दूसरा जो राउंड शेप का हमने लेस डिजाइन बनाया था उसको हम ऊपर के ओर चिपका देंगे। और ऊपर में लेस चिपकाने से पहले इस कार्डबोर्ड को मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ग्रीन एक्रिलिक पेंट यूज़ किया है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऊल लिया है, और इस ऊल को मैं अपनी दो फिंगर के राउंड 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 करती जाऊँगी 30-40 टाइम्स, और बीच में एक गांठ बांध दूँगी और इस तरह से मैं कट करती जाऊँगी, और इससे हम पॉम्पम बनाएंगे। तो इस तरह का मैंने टोटल 5 पॉम्पम बनाया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ कलरफुल बीड्स लिया है, और इस बीड्स को हम एक नीडल के हेल्प से ऊल में इंसर्ट करते जाएंगे, और एंड में हम पॉम्पम को भी इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह का हमें एक माला बनाना है, और इस तरह का मैंने टोटल 5 बनाया है। एंड अगेन मैं एक नीडल में इसको इंसर्ट कर रही हूँ, और इसको हम कार्डबोर्ड में स्टिक करेंगे। तो यहाँ पर 5 को मैं इस तरह से कुछ इंसर्ट कर दूँगी कार्डबोर्ड में, और इस तरह का हमारा डिजाइन बन जाएगा यहाँ पर। और एंड में इसको पीछे के साइड में यहाँ पर ग्लू गन से ग्लू अप्लाई करके सिक्योर कर दूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फिर से फोम शीट ले ली है, और एक क्ले कटर टूल लिया है जो कि फ्लावर शेप का है, और इस क्ले कटर टूल को मैं फोम शीट के ऊपर प्रेस कर रही हूँ ताकि हमें वो शेप मिल जाए, और इस शेप को हम कट कर देंगे। तो इस तरह का मैंने बहुत सारे कट कर लिया है। अब ये फ्लावर का जो शेप कट किए हैं उसको हम आयरन से थोड़ा हीट देंगे ताकि हमें इससे एक फ्लावर का शेप मिल जाएगा। तो इस तरह का मैंने रेड कलर का भी बहुत सारे बनाया है। अब इन फ्लावर के बीच में मैं एक पर्ल बीड्स भी लगा रही हूँ ताकि हमारे जो फ्लावर्स है वो थोड़ा सा और भी सुंदर लगे देखने में। और इस फ्लावर को हम एडजस्ट में इस तरह से स्टिक करके पूरा कवर कर देंगे। तो ऊपर मैंने ग्रीन कलर यूज किया है, और नीचे जो हमारा बेस है वहाँ पर मैंने रेड कलर से कवर किया है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है,
और साथ में ये दोनों भी मैंने बना लिया है। वैसे मेरे प्लान नहीं था बट फिर भी मैंने सोचा कि तो ये राउंड शेप का पिलो मैंने दो बनाए हैं। और ये मैंने कैसे बनाया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमने जो गणेश जी के लिए सिंहासन बनाए हैं वो देखने में कैसा लग रहा है। आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बट टिल देन बाय बाय।